Hello everyone, I am Rimshan Tiwari from Likhan Group, the smart choice for your future. Now today we are going to study the Aston solution of physics chapter 1st, electricity, page number 58, question number 1st. So this page number 58 is my Aston book. So let's start with the question first. Ko read karna. State two factors on which the electrical energy consumed by an electrical appliances depends. यहाँ पे मैं दो फैक्टर को स्टेट करना है, मीन्स बताना है, जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कंज्यूम होती है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में, वो भी डिपेंड किस पे होती है. तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हमारी कंज्यूम होती है बाई एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है इस लाइन में हमारे, तो वो जो हमारा क्या होता है कि पावर रेटिंग ऑफ द अप्लायंसेज पे होता है, और सेकंड होता है टाइम फॉर विच द अप्लायंसेज इज यूज, मींस कि जो हमारा फॉर्मूला होता है इक्वल्स टू पी इंटू, ये हमारा फॉर्मूला होता है पी इंटू टी, मीन्स कि जो हमारा पावर है इंटू टाइम, तो हमारा किस पे डिपेंड होता है, पावर पे और टाइम पे. तो ये हम फॉर्मूले से भी याद कर सकते हैं. फिर ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच वन हैज़ द हायर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, मतलब किस में हायर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, ए 10 वॉट बल्ब में या 60 वॉट बल्ब में. तो यहाँ पे तो हम लोग सोच रहे होंगे कि 10 वॉट बल्ब में हायर होगा, लेकिन नहीं, यहाँ पे 60 वॉट बल्ब में हायर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि पावर क्या होता है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारा रेजिस्टेंस के. पावर जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मीन्स अगर रेजिस्टेंस डबल होगा तो पावर हाफ होगा. तो यहाँ पे मान लिया ये रेजिस्टेंस हमारा डबल हो गया, तो पावर तो इससे हाफ होगा ना, तो ये हो गया. फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड है, नेम द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी किलो, इसके यहाँ पे मैं कॉमर्शियल यूनिट बतानी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, किलो वॉट आवर इज द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी. यहाँ पे मीन्स कि इसको हम KWH से भी डिनोट करते हैं, किलो वॉट आवर. अब ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड एट 220 वोल्ट, मीन्स एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो रेट कितने पे कर रहा है, 220 वोल्ट पे, कॉमन 100 वॉट, मीन्स यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट दे रहा है, पावर दे रहा है 100 वॉट, रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है. तो इसका फॉर्मूला हमारा होता है पी इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर. क्या होता है, पी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, फॉर्मूला हमें याद करने इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा कि मीन्स हमें अगर रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं पावर का, क्योंकि पावर का 3 फॉर्मूले यूज़ होते हैं, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है. यहाँ पे हमारा जो मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस है 220 का होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन मीन्स आर रहेगा, और यहाँ पे पावर हमें दिया है, आर नहीं दिया, आर हमें फाइंड करना है, तो 100 हो जाएगा इक्वल्स टू क्या, 100. तो मीन्स हम आर को चाहे तो इधर ले आ सकते हैं, और हमारा जो पी है ये इधर आ सकता है, मीन्स यहाँ आर हो जाएगा और यहाँ पी हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे करा हुआ है, तो ये हो जाएगा. अब उसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ पे जैसे मीन्स ये हो गया हमारा, तो जब इसे सॉल्व करेंगे 220 का स्क्वायर कर लेंगे और अपॉन 100 कर लेंगे, तो हम जब सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगी वैल्यू, 484 ओम. क्या आ गया, क्योंकि रेजिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं तो यूनिट लगाना भी कंपलसरी है, तो यूनिट आप मतलब भूलिएगा नहीं, यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो ओम लगाइएगा, या किसी और चीज़ की बात कर रहे हैं तो उसकी यूनिट लगाइएगा ज़रूर. फिर ऐसे अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, पहला तो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, दूसरा इलेक्ट्रिक पावर, यहाँ पे SI यूनिट की बात कर रहा है, तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. एनर्जी का क्या होता है, जूल होता है, तो डायरेक्ट क्या लिख देना है, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी जूल. इलेक्ट्रिक पावर, पावर का क्या होता है, वॉट होता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे, जैसे यहाँ सॉल्यूशन में लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक पावर का वॉट और इलेक्ट्रिक एनर्जी का जूल. अब ऐसे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है ये कि नेम द क्वांटिटी हुज यूनिट इज, यहाँ पे मैं क्वांटिटी बताना है जिसकी यूनिट किलोवाट हो और दूसरी किलोवाट आवर हो, मीन्स कि KW और KWH. अब यहाँ पे मीन्स किलोवाट, किलो तो जैसे हम हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रिक हो जाएगा, किलो मीन्स कि इलेक्ट्रिक ये कॉमन्स हो गया, वाट क्या होता है पावर होता है, तो इससे हम क्या मीन्स कि किलोवाट हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रिक पावर का, किलोवाट आवर की बात कर रहे हैं, तो हमारा एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, इक्वल्स टू पी इंटू टी होता है, तो यहाँ पे वॉट भी आ रहा है, आवर भी आ रहा है, मीन्स कि क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो इससे आप याद रख सकते हैं इसे. अब उसके बाद पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द यूनिट क्वांटिटी
या विच क्वांटिटी हैज़ द यूनिट ऑफ बॉन्ड, मीन्स यहाँ पे ये कह रहा है कि कौन सी क्वांटिटी या यहाँ पे हमारी कौन सी क्वांटिटी की यूनिट क्या होती है, वॉट होती है। तो यहाँ पे अभी हमने पहले ही पढ़ा था, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर जो हमारी क्वांटिटी है उसकी यूनिट क्या होती है, वॉट होती है। अब ऐसी क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कह रहा है। वॉट इज द मीनिंग ऑफ द सिंबल KWH, KWH का क्या मतलब होता है, विच क्वांटिटी डज इट रिप्रेजेंट, कौन सी क्वांटिटी यहाँ पे इसे रिप्रेजेंट करती है। तो KWH का मतलब होता है, मीन्स KWH इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ किलो वॉट आवर। किलो वॉट आवर अभी मैंने इससे पहले वाले जो मीन्स क्वेश्चन आए थे उसमें मैंने बताया भी था, किलो वॉट आवर को हम रिप्रेजेंट करते हैं KWH से। तो यहाँ पे मीन्स कि किलो वॉट आवर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, KWH। तो कभी भी आए कि मतलब सिंबल जो KWH है उसका क्या मतलब होता है, तो किलो वॉट आवर होता है। फिर विच इज़ द कॉमर्शियल यूनिट, जैसे मीन्स यहाँ पे कॉमर्शियल यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं कि क्वांटिटी डज इट रिप्रेजेंट, तो इसकी कॉमर्शियल यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है। अभी हमने ये भी पढ़ा था कि हमारे जैसे किलो हो गया, मान लिया इलेक्ट्रिक हो गया, और एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, वॉट इंटू आवर भी हम उसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा इलेक्ट्रिक एनर्जी। फिर ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ये कह रहा है कि इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड ऑफ ए वायर, अगर जो पोटेंशियल डिफरेंस है एंड ऑफ ए वायर वो ऑफ फिक्स रेजिस्टेंस इज डबल। यहाँ पे ये कह रहा है, क्वेश्चन को समझिएगा कि मीन्स यहाँ पे फिक्स रेजिस्टेंस दिया हुआ है और पोटेंशियल डिफरेंस हमें क्या दिया है, डबल दिया है। यहाँ पे ये नहीं है कि पोटेंशियल डिफरेंस हमें फिक्स दिया है, रेजिस्टेंस डबल दिया है, ये नहीं कह रहा है। यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर जो ये रेजिस्टेंस फिक्स है और पोटेंशियल डिफरेंस हमारा डबल है, तो इलेक्ट्रिक पावर कितना इंक्रीज करेगा हमें ये बताना है। मीन्स कि जो हमारा फॉर्मूला यहाँ पे फिर से हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, रेजिस्टेंस दे रहा है तो वी स्क्वायर अपॉन आर, यहाँ पे 2V दे रहा है, क्यों दे रहा है, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में ही दिया है पोटेंशियल डिफरेंस डबल और रेजिस्टेंस फिक्स है तो उसमें कोई चेंजेस तो होगा नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, 4V स्क्वायर, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये यहाँ पे 4V2 नहीं है, ये 4V स्क्वायर को ये रिप्रेजेंट कर रहा है अपॉन आर, ये हमारा आ जाएगा पावर का। तो मीन्स कि यहाँ पे ये कह रहा है सो द इलेक्ट्रिक पावर बिकम्स 4 times इंक्रीज, मीन्स कि जो पहले से उसकी वैल्यू 4 times इंक्रीज हो रही है। अब क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, और अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट ज़रूर करिएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। एन इलेक्ट्रिक लैम्प इज लेबल्ड 12V, 36W, दिस इंडिकेट दैट इट शुड बी यूज विद ए 12V सप्लाई। यहाँ पे ये कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक लैम्प है, वो क्या कह रहा है कि मीन्स 12V मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस 12V है, पावर 36W है। इसमें एक चीज़ तो हमें बता दिया कि मीन्स कि यहाँ पे जो हमारा 12V है वो सप्लाई हो रहा है, मीन्स कि जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो इलेक्ट्रिक लैम्प में फ्लो हो रहा है, मीन्स 12V की सप्लाई हो रही है। और हमें दूसरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बतानी है, किसने दे दी दूसरी बतानी है, तो अदर इन्फॉर्मेशन इज़ दैट इट विल कंज्यूम एनर्जी एट द रेट ऑफ 36 J/s। यहाँ पे जैसे वॉट का मीन्स कि ऐसे हमारी डिफिनेशन भी होती है, तो यहाँ पे इसने कंज्यूम कर रहा है एनर्जी एट द रेट ऑफ 36 J/s। अब ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। वॉट करेंट विल बी टेकन बाई ए 920W अप्लायंसेस इफ द सप्लाई वोल्टेज इज 230 volt। यहाँ पे करंट हमें फाइंड करना है, 920 watt मीन्स पावर दिया गया है और 230 volt हमें पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है। यहाँ पे अब हम P=V²/R फॉर्मूला नहीं यूज़ करेंगे, क्यों नहीं यूज़ करेंगे, यहाँ पे ये जो हमारा फॉर्मूला है स्क्वायर अपॉन आर, इसको हम इसलिए नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे मैं आर नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे हमें आई के बारे में बताना है, मीन्स आई फाइंड करना है। तो जो दूसरा फॉर्मूला होता है P=V×I, यहाँ पे ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। मीन्स कि जिस चीज़ के बारे में या जिस चीज़ को फाइंड करने के लिए वो कह रहा है हमें वही फॉर्मूला यूज़ करना है, यहाँ पे आर नहीं यूज़ करना है। तो यहाँ पे P=V×I हो जाएगा, तो मीन्स
पी हमें 920 दे रहा है, वोल्ट हमें जो है 230 दे रहा है, तो आई जब पी के साइड में चला जाएगा तो पी आ जाएगा, मीन्स कि वी अपॉन पी हो जाएगा, तो 900 मीन्स कि हमारा यहाँ पे पी अपॉन वी हो जाएगा। जब हम इसको या फिर इधर ही ले जाएं तो हमारा पी अपॉन वी हो जाएगा, यहाँ से वी हट जाएगा, यहाँ आई इक्वल्स टू पी अपॉन वी, तो पी कितना है 920 अपॉन 230, तो जब सॉल्व करेंगे से तो कितना आ जाएगा 4 एम्पेयर, कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारा 4 एम्पेयर। ऐसे भी कर सकते हैं या तो डायरेक्ट इसी फॉर्मूले पे, जैसे ये यहाँ पे 230 हमारा 920 के साइड में गया तो वो डिवाइड में हो गया, क्योंकि आई के साइड में वो मल्टीप्लाई में था। अब ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे तो वॉट को हमें डिफाइन करने के लिए कह रहा है, फिर कह रहा है ये भी कि हमें एक्सप्रेशन लिखना है लिंकिंग वॉट वोल्ट एंड एम्पेयर, मीन्स ऐसा एक फॉर्मूला कह सकते हैं या एक क्वेश्चन हमें लिखना है जिसमें वॉट भी आता हो और हमारा वोल्ट भी आता हो, एम्पेयर भी आता हो। तो पहले हम वॉट को डिफाइन करते हैं। यहाँ पे कह रहा है व्हेन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कंज्यूम इलेक्ट्रिक एनर्जी एट द रेट ऑफ जूल पर सेकेंड इट्स पावर इज सेड टू बी 1 वोल्ट। यहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रिक एनर्जी मीन्स कि इलेक्ट्रिक अप्लायंस जो है वो किस में कंज्यूम हो रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में एट द रेट ऑफ कितने रेट पे, 1 जूल पर सेकेंड पे, उसी को हम क्या कह देते हैं पावर, और ये पावर को भी हम 1 वॉट भी कह सकते हैं। तो ये इसका मतलब हो गया। आई होप ये तो आपको डिफिनीशन समझ में आ गई हो। फिर से समझ लेते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो कंज्यूम होगी किस में, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में, मीन्स कि हमारा जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है जो वो कंज्यूम किस में हुआ, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। जैसे एक कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है उसको हमने जैसे ऑन करा, जैसे लाइट ऑन करी, मीन्स आयरन है तो उसका प्लग से कनेक्शन मीन्स ऑन करा, करंट फ्लो होने लगा, तो कैसे वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में तो चेंज होगा, तभी तो वो मीन्स की एनर्जी जब उसके अंदर आएगी, एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है उसके अंदर जब इलेक्ट्रिक एनर्जी आएगी तभी तो वो काम करेगा, मीन्स वर्क डन होगा, 1 एनर्जी उसमें पास होगी, तो मीन्स की एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड इट पावर इज सेड टू बी 1 वॉट। अब यहाँ पे 1 वॉट इक्वल्स टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पेयर है, मीन्स कि यहाँ पे ये कह रहा है कि यहाँ पे पावर हो जाएगा वी पी इक्वल्स टू वी इंटू आई, यहाँ पे यही मतलब ये कह रहा है कि मीन्स कि पावर हमारा हो जाएगा 1 वॉट, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा 1 वोल्ट हो जाएगा, करंट हमारा 1 एम्पेयर हो जाएगा। फिर ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, ये कह रहा है डिफाइन वॉट आवर। अब हम यहाँ पे हमें वॉट आवर को डिफाइन करना है, हाउ मैनी जूल्स आर इक्वल टू 1 वॉट आवर, मीन्स कितने जूल्स जो हैं इक्वल होते हैं 1 वॉट आवर में, हमें ये भी बताना है। तो ये 1 वॉट आवर का क्या मतलब हुआ, यहाँ पे 1 वॉट आवर इज़ द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, यहाँ पे भी 1 वॉट आवर जो एक अमाउंट है इलेक्ट्रिक एनर्जी का जो कंज्यूम किस में हो रहा है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में, ऑफ 1 वॉट पावर इज़ यूज फॉर 1 आवर। यहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो कंज्यूम हो रहा है इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज में, उसमें क्या होता था इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज कंज्यूम होता था वॉट में इलेक्ट्रिक एनर्जी में, यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी हमारा इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में कंज्यूम हो रहा है, और उस वो भी कितने में, 1 वॉट पावर में, जो कि यूज़ कितने में हो रहा है 1 आवर। तो 1 वॉट आवर जो हमारा है यहाँ पे वो कितने जूल्स के इक्वल होगा, वो 3600 जूल्स के इक्वल होगा। सो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।